थ्योरी का पोर्शन है उसको देखेंगे इसमें। तो ब्लॉक वन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ओवरव्यू के बारे में बताया गया है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करने में हमको कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते क्या क्या है वो हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते क्यों हैं? हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल फार्मिंग भी कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है कि मेन रीजन है हमारा इसका जो है कि वो जब हमको ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना पड़ रहा है टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन। तो हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको फीड करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना है और उस फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या किया, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करके हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में हायर यील्ड तो अचीव कर लिया, बट हम जो है उसके साथ ढेर सारी समस्याओं को लेके आ गए। जैसी समस्याएं थी कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्सिनोजेनिक डिजीजेज इंट्रोड्यूस हुए ड्यू टू दिस यूज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा हमारे फूड्स में डिफरेंट जो है मेटल्स के रेसिड्यू पाए जाने लगे। इसके अलावा टॉक्सिक जो पेस्टिसाइड्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो सभी हमारे फूड चेन में इंट्रोड्यूस हो गए। तो इसके अलावा पॉल्यूशन और एसिड रेन, ये सभी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आजकल जो समस्याएं हम देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है समस्याएं ड्यू टू दिस केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के कारण हम आज देख रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इवॉल्व हुआ और उसके अंतर्गत हम लोग जो है फील्ड में अपने कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं और वी इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैन्योर्स। वी विल सी फर्दर हाउ वी विल डू न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें हम किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। जो भी अपकमिंग यूनिट्स आएंगी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, सब में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम या तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे या पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और बिना किसी पेस्टिसाइड या बिना किसी फर्टिलाइजर को फील्ड में अप्लाई किए हुए हम सब कुछ इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में करेंगे। तो जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस स्टेब्लिश हुए थे टू ओवरसी द ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन वर्ल्ड, तो सबसे फर्स्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो था IFOAM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ये स्टेब्लिश हुआ था 1972 में। इट वाज डेवलप्ड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू द डिस्कशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस IFOAM ने एक कलेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार किया था और एक कलेक्टिव कोडिफिकेशन किया था प्रिंसिपल्स का, जिसको कि फॉलो करते हैं हम लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इट्स स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स आर इंडिकेटिव एंड एक्ट एज गाइडलाइन टू द स्टेट ऑफ आर्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो ये वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी मेथड्स, जो भी प्रिंसिपल्स अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब के सब जो है IFOAM के द्वारा जो है उसको कोडिफाई किया गया है और उसी को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हर कंट्री जो है फॉलो करते हैं फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो था, ये जॉइंटली फॉर्मड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के जॉइंटली फॉर्मेशन से ये बना था। हैज डेवलप्ड गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस फूड। तो इस कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन ने
फर्दर इसको इम्प्रूव किया, जो IFM ने प्रिंसिपल्स दिया था उसको इन्होंने प्रोडक्शन के अलावा प्रोसेसिंग, लेबलिंग एंड मार्केटिंग तक कैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को हम हैंडल करें उसके उसके प्रिंसिपल्स को इन्होंने कोडिफाई किया था। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये WTO के इक्विवेलेंट इसका इम्पोर्टेंस है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्वाइन, जो टर्म है मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम लोग देख रहे हैं, इसको फर्स्ट टाइम क्वाइन किया था लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द फार्म एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने फार्म को कंसिडर किया था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, उसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि फार्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फार्म को एक लिविंग सिस्टम मानते हैं और उसी के अनुसार हम लोग उसमें फार्मिंग करते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने इसको बताया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और उसमें उन्होंने फार्म एज लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिस्कस किया था। और उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसमें डिस्क्राइब किया है इसको, लुक टू लैंड, इन 1940 में पब्लिश हुआ था। कुछ डिफिनीशंस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो फर्स्ट डिफिनीशन कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के द्वारा दिया गया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम विच प्रोमोट्स एंड इनहेंसेज एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो एलिमेंटरीज कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के जो डिफिनीशन थे उसके हिसाब से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जो प्रमोट करता है एग्रो इकोसिस्टम के हेल्थ को। और इस तरीके से इसमें फार्मिंग होती है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल और जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो लेकिन ये जो कन्वेंशनल सिस्टम हम लोग अपनाते हैं ये जस्ट अपोजिट है। इसमें हमारा बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी तीनों हैम्पर होते हैं और इसके कारण से ओवरऑल हमारा जो है इकोसिस्टम हेल्थ जो है प्रभावित होता है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एलिमेंटरीज कमीशन के द्वारा जो इसमें बताया गया, इट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन प्रेफरेंस टू द यूज ऑफ ऑन फार्म इनपुट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट रीजनल कंडीशंस रिक्वायर द लोकली अडेप्टेड सिस्टम। तो इसके हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फील्ड में वो ऑन फार्म पे खुद से बनाए जाते हैं। जैसे फार्म का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या तो फार्म में जो भी एग्रीकल्चर से जो भी हमारा रेसिड्यू निकलता है या फिर जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर से जो भी हमारा लीटर है, डंग है, यूरिन है, उन सबको कलेक्ट करके हम जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट सब हम उसी के थ्रू करते हैं। हम बाहर से इवन दूसरे फार्म से भी कोई हम मैन्योर या फिर कोई अदर इनपुट्स इसको यूज नहीं किया जाता है। दिस कैन बी एकम्प्लिस्ड बाय अडॉप्टिंग कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स वेयर एवर पॉसिबल अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। तो मैंने अभी बताया कि हम सब कुछ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो या पेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशन हो, सब कुछ में हम या तो कल्चरल मेथड अपनाएंगे या बायोलॉजिकल मेथड अपनाएंगे या फिर मैकेनिकल मेथड अपनाएंगे। ये सभी मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम पेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो अभी इसमें बेसिकली यही है कि इसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक मटेरियल वी डोंट इज बैंड इन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट डिफिनेशन दिया गया है IFM के द्वारा। तो इसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट प्रमोट्स इन्वायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली साउंड प्रोडक्शन ऑफ द फूड फाइबर एंड टिम्बर। तो इनका कहना था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में एक ऐसा सिस्टम है एग्रीकल्चर का जिसमें कि हम प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इन्वायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली साउंड प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, सोशली भी ये एक्सेप्टेड होता है और इसमें खर्चे भी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर कन्वेंशनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम सॉइल फर्टिलिटी इज सीन एज द की टू सक्सेसफुल प्रोडक्शन। तो सॉइल फर्टिलिटी को इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट से इसमें डिफाइन किया है और उसको सप्लाई करने के लिए डिफरेंट मैन्योर्स का यूज किया जाता है।
इसके अलावा जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और साथ में सोशल और इकोनॉमिक साउंडनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम, इन तीनों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था। नेक्स्ट डिफिनेशन दिया गया है यूएसडीए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो इसमें इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन किया है एन इकोलॉजिकल प्रोडक्शन सिस्टम दैट प्रोमोट्स एंड इनहांसेस बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इन्होंने यहाँ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल और सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन तीनों पे इम्फेसिस दिया था इन्होंने। और इसमें बायोडाइवर्सिटी से मतलब है कि वो फील्ड में जितना ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे होगा, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। अगर उनका प्रेजेंस नहीं होगा फील्ड में तो फिर हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह अभी हम लोग देखेंगे, अगर उनका एब्सेंस होगा फील्ड में तो फिर हम जो हमारा सॉइल में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी प्लांट के लिए, हम उतना अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे जितना प्लांट को चाहिए, क्योंकि हम बाहर से कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम देंगे नहीं। तो हमको फील्ड में कुछ माइक्रोबियल पॉपुलेशन हमें मेंटेन करके रखना होगा। उसके अलावा जो हमारा माइक्रोबियल पॉपुलेशन है फीड करेगा हमारे ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में हमको डिफरेंट जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं उसको या तो कंपोस्ट के फॉर्म में या फिर डिफरेंट जो भी मैन्योर्स है उसके फॉर्म में हमको सॉइल में अप्लाई करना होगा, जिससे कि हमारा तीनों बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारा तीनों मेंटेन रहे सॉइल में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देखेंगे तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंसेप्ट। तो ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम लोग जो है फील्ड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो ये हमारा ऑर्गेनिक नाम हो गया, या फिर तो इसका नाम बेसिक ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि इसका कंसेप्ट है कि किसको हम फार्म को ट्रीट कर रहे हैं एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करने का मतलब है कि हम उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करेंगे, साथ में उसको उसके पॉपुलेशन को हमको मेंटेन करके बनाए रखने के लिए हमको उसमें जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हमें कुछ अप्लाई करना होगा। तो वो प्लांट एनिमल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम अप्लाई करेंगे, तो सो दैट ये फार्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करके एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा प्लांट के लिए, और उससे जो है हमारा जो है जो फूड प्रोड्यूस होगा वो हेल्दी फूड होगा, और उस वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए वो हेल्दी फूड होगा, उसमें कोई भी हमारा जो है हार्मफुल इफेक्ट जो कि होता है वो हमको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। तो होलिस्टिक कंसेप्ट की बात अगर हम करें तो इसमें इसमें एग्रो इकोसिस्टम को जो है हम एक होल कंसिडर करते हैं। मतलब एग्रो इकोसिस्टम को होल कंसिडर करने का मतलब है कि पूरे फार्म के जो भी डिफरेंट इंटरप्राइजेस हैं, इंटरप्राइजेस का मतलब कि फार्म में हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही नहीं होता है, इसके अलावा लाइव स्टॉक सेक्टर है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, जो उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग है, या फिर हमारा जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, तो ये सभी डिफरेंट इंटरप्राइजेस हैं, या फिशरी हो रही है फील्ड में कहीं, तो ये सभी जो है हमारा एग्रो इकोसिस्टम, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसको कंसिडर करने से फायदा हुआ कि ये ऑर्गेनिक फार्मर अटेम्प्ट टू वर्क विद नेचुरल साइकिल रादर देन डिस्ट्रक्टिव दे। तो होता ये है कि एक जो हमारा इंटरप्राइज है उससे निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे इंटरप्राइज के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा, या फिर उसको अदर फॉर्म में लेगा, जैसे कि हमारा लाइव स्टॉक जो हमारा लाइव स्टॉक फार्मिंग से जो हमारा यूरिन, डंग, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे हम कंपोस्ट बना के अपने एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर पोल्ट्री से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको भी हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक तरीके से साथ में यूज करने से इसका जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है इस पूरे फार्म का। नेक्स्ट है लिविंग सॉइल कंसेप्ट। तो इसमें हम सॉइल को एक लिविंग बीइंग कंसिडर करते हैं, और ये सॉइल लिविंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी ऑर्गेनिक मैटर की बात हम पीछे भी कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब सॉइल को लिविंग रहने के लिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिविंग रहना बहुत जरूरी है,
और ये तभी लिविंग रहेगा जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हो। और वो ऑर्गेनिक मैटर हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे सॉइल को, तो डिफरेंट कंपोस्ट से प्रोवाइड करेंगे, या तो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर हो, मतलब किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक मैटर हमको फील्ड में चाहिए टू सस्टेन आवर माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन फील्ड। इसके अलावा ये ह्यूमस क्या करता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, जो सॉइल का लाइफ है उसको एक्टिवेट्स करेगा, लीचिंग लॉस जो न्यूट्रिएंट्स के हैं उसको कम करता है। इसके अलावा जो हमारा नेचुरल रेसिस्टेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्दी प्लांट्स कंसेप्ट। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग में मार्केट से जाके हाई यील्डिंग वैरायटी का कोई भी है हाइब्रिड सीड खरीद के लाते हैं और उसको फील्ड में सो कर देते हैं, और ये सीड हमको हर साल खरीदनी होती है क्योंकि उसका बेस्ट इफेक्ट हमें नए सीड के साथ ही मिलेगा। ये जो भी सीड कंपनीज हैं उसका ये जीन के लेवल का ये सब किया हुआ है, तो इसमें आपको हर साल सीड खरीदना पड़ेगा। तो इस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड में थोड़े एक साल के लिए हमें प्रोडक्शन ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन नेक्स्ट साल हम उसको फील्ड सो नहीं कर सकते, उससे हम नॉर्मल जो भी हायर प्रोडक्शन है वो नहीं ले सकते। तो इसका एक नुकसान ये भी है। दूसरा नुकसान है कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है उसमें जेनेटिक बेस बहुत ही नैरो होता है, तो ये बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं पेस्ट एंड डिजीज के लिए। लेकिन जो हमारे इंडिजीनियस वैरायटीज है वो उसमें जो है पेस्ट और डिजीज का जो अटैक होता है उससे लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू हाई यील्डिंग वैरायटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको कोई भी जो हमारा पेस्टिसाइड है इसका यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे हमको कोशिश करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिजीनियस वैरायटीज का यूज करना चाहिए, जिसके पास एक वाइड जेनेटिक बेस हो और उसमें क्षमता हो ज्यादा से ज्यादा पेस्ट और डिजीज अटैक को रेसिस्ट करने की। लेकिन इसको हम प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इंसेक्ट हेल्प इट डेवलपिंग रेसिस्टेंट, तो कुछ समय बाद ये हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है जब हम उसमें पेस्टिसाइड यूज करेंगे और उसमें जब पेस्ट अटैक करेगा तो वो उस पेस्ट में भी रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो फिर वो कुछ समय बाद वो पेस्टिसाइड फिर उस पर इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कोशिश हमें करना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको इंडिजीनियस वैरायटीज का यूज करना चाहिए। देयर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, द प्रिंसिपल ऑफ केयर। एक एक करके अभी हम सब प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ जो है वो डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड सस्टेन एंड इनहांस द हेल्थ ऑफ सॉइल प्लांट एंड एनिमल ह्यूमंस एंड द प्लांट एज ए होल। तो इसका कहना है इस प्रिंसिपल का कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इस तरीके से होना चाहिए कि ये सस्टेन और इनहांस करे सॉइल प्लांट एनिमल ह्यूमन और प्लैनेट को ओवरऑल, मतलब सबके हेल्थ इंप्रूव हो, ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जिसमें सबके हेल्थ इंप्रूव हो। ये नहीं कि हम एक सिस्टम में को अच्छे से यूज कर रहे हैं तो हमारा दूसरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हमको सभी का हेल्थ जो है इंप्रूव होता है। दिस प्रिंसिपल अंडरस्कोर्स द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें इकोसिस्टम को एज ए होल कंसिडर किया है हेल्थ के लिए, और यहाँ इंडिविजुअल और कम्युनिटीज लेवल पे बात नहीं की गई है, यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल। मैंने पीछे भी बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कि हमारा फार्म जो है लिविंग हो, माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसमें हो, ऑर्गेनिक मैटर हो सॉइल में, वहाँ पे जो भी डिफरेंट बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो चलती रहे सॉइल की, जो भी न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है सॉइल में
वो सभी चलती रहे। तो ये प्रिंसिपल इकोलॉजी का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट शुड ऑल्सो सपोर्ट एंड सस्टेन द इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट। तो जब हम लिविंग सिस्टम को यूज करते हैं तो ये जो है इकोसिस्टम और एनवायरमेंट को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी हार्मफुल जो गैस या फिर हार्मफुल इफेक्ट जो भी एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है वो इस तरीके से यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमको एनवायरमेंट का जो है लॉस कम से कम होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस में हम लोग इसमें देखते हैं कि कॉमन एनवायरमेंट और जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसका जो है फेयरनेस हो। मतलब कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं उनमें इस तरीके का एक इंटरप्राइज के साथ दूसरे का रिलेशनशिप हो कि सभी को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिले और सभी इक्वली कंट्रीब्यूट करें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो फेयरनेस इज करेक्टराइज बाय इक्विटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस एंड स्टीवर्डशिप ऑफ शेयर्ड वर्ल्ड बोथ अमंग द पीपल एंड देयर रिलेशन टू द लिविंग बींग्स। तो यहाँ पे जो भी उसके जो भी हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जो भी इंटरप्राइज है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अभी हम सब एक एक करके नेक्स्ट कमिंग यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो सभी को इक्विटी होना चाहिए, मतलब सभी बराबर हैं यहाँ, सभी को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए। फिर जो भी हम स्टीवर्डशिप वर्ल्ड को दे रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो ये सभी जो है हमको प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस में देखने को मिलते हैं। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड कंडक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए मैनर दैट इंश्योर फेयरनेस एट द ऑल लेवल एंड ऑल द पार्टीज। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स, वर्कर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स। तो मतलब हर लेवल पे हमको जो है फेयरनेस बना के रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ केयर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज्ड इन ए प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ करेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड द एनवायरमेंट। तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में हमको लेके चलना है, जिससे कि हमारा जो करेंट में जो हमारा जनरेशन है और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी सभी इन्वायरमेंट का जो भी बेनिफिट्स है इक्वली ले सके। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में ये नहीं हो पा रहा है। कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या है कि करंट में हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस का यूज करके एग्रीकल्चर तो कर तो रहे हैं लेकिन हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं उसको वो सभी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो हमें मिल रहे हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो यह हमारा यूनिट वन था। यूनिट वन में हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी किया है। यूनिट टू है हमारा बेनिफिट्स एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्रोच जो है हमारा ये बहुत ही ओल्ड टाइम से ही चल रहा है इंडिया में। तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात अगर करें तो ये नियोलिथिक एज जो कि 7500 टू 6500 BC के आसपास था, उस समय से ही हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एंशियंट टाइम में जो फार्मर्स थे वो जो कल्टीवेशन करते थे वो नेचर फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करते थे। मतलब वो नेचर में जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेज होते हैं जो कि हम लोग उसी का कुछ पोर्शन हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग में यूज करते हैं तो वो उस समय वो यूज करते थे। दे कंसिडर्ड द अर्थ एज ए लिविंग बींग। तो वो उस समय अर्थ को लिविंग बींग की तरह ट्रीट करते थे जो कि हम लोग अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने फार्म को लिविंग बींग के रूप में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक ये समानता है कि हम लोग वहाँ भी और यहाँ भी दोनों में अपने जो हमारा फार्म है या अर्थ है उसको हम लिविंग बींग की तरह ट्रीट करते हैं। एग्रीकल्चर वॉज नॉट डेवलप्ड जस्ट एज ए प्रोडक्शन सिस्टम बट एज ए कल्चर। तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग अप्रोच में एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन सिस्टम की तरह डेवलप नहीं हुआ था, ये एक कल्चर की तरह डेवलप हुआ था। ग्रेट अटेंशन वॉज पेड टू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो उस समय जो सोफिस्टिकेशन आया था वो बहुत
ज्यादा डेवलप था नहीं, लेकिन जो था उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, ये सभी प्रैक्टिस में थे। एनिमल हस्बेंड्री भी जो था वो इंटीग्रल पार्ट था फार्मिंग प्रैक्टिस का। इसके इसका जो डिटेल है अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग का, वो वृक्षायुर्वेदा और मार्गावेदा, ये सभी इन बुक्स में संस्कृत हाइमेंस में ये लिखे हुए हैं, जो कि पूरा डिस्कस किया हुआ है इसको इन दोनों बुक्स में। करंटली यूज ऑफ पंचगव्य, ग्रोथ स्टिमुलेंट, पेस्ट कंट्रोल फार्मूला एंड नजता विला, क्रॉप कैलेंडर फॉलोड इन इंडिया। तो एक इसी का एक कुछ एक प्रोडक्ट है पंचगव्य, जिसको कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज करते हैं एज ग्रोथ स्टिमुलेंट एंड पेस्ट कंट्रोल के भी यूज करते हैं, और क्रॉप कैलेंडर जो भी हम लोग यूज करते हैं ये भी इसमें डिस्कस किया गया है इसके बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्रोच की बात करें तो अल्बर्ट होवार्ट, ये जो साइंटिस्ट थे, तो इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंपोस्टिंग भी बोला जाता है। इन्होंने इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी दिया था, मेथड इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्रोच को डिस्कस किया था। उसके अलावा एक और अप्रोच है नेचुरल फार्मिंग अप्रोच, जिसको आजकल ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया में भी हम लोग देखते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में क्या प्रिंसिपल है कि वहाँ पे कि डू नथिंग फार्मिंग, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी टीलेज ऑपरेशंस नहीं करने हैं, नो टिल फार्मिंग होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी कन्वेंशनल टीलेज जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग नहीं करते हैं। और इस तरह का जो मेथड है उसको डिस्कस किया गया था मोसाम्बू फुकुका, एक जापानीज साइंटिस्ट थे, 1940 में इन्होंने इसको डिस्कस किया था, और एक बुक भी इन्होंने लिखा था द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। और इसी का प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग जो है नेचुरल फार्मिंग आजकल प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कोई नो टिलेज, फार्म डाइवर्सिटी, सिम्बायोटिक फार्म इनपुट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल कवर, ये सभी के सभी जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल वर्क एंड लेबर इनपुट्स आर 80% लेस कंपेयर टू द अदर फार्मिंग सिस्टम। तो इस नेचुरल फार्मिंग में हमारा जो फिजिकल वर्क और लेबर का जो इनपुट्स है वो 80% तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फील्ड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो हमको उस सॉइल को, सॉइल में ना तो ज़्यादा हमें वीड कंट्रोल करना पड़ता है, ना ही सॉइल में हमें ज़्यादा पडलिंग करनी पड़ती है या फिर पडलिंग ऑपरेशंस करनी पड़ती है। तो हमारे 80% तक जो है हमारा लेबर कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है नेचुरल फार्मिंग में। इसके अलावा एक अप्रोच था परमाकल्चर अप्रोच। तो परमाकल्चर अप्रोच में एक सिस्टम है जिसमें कि एग्रीकल्चर में हम लोग इसमें पेरिनियल क्रॉप्स लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, नट ट्रीज है, तो इसका यूज करते हैं। और इसका नाम ही परमाकल्चर है क्योंकि ये पेरिनियल क्रॉप्स है। पेरिनियल क्रॉप है मतलब ये लंबे समय तक सस्टेन करेगा और वो जो है प्रोड्यूस प्रोडक्शन इसमें, सस्टेन प्रोडक्शन इसमें लंबे समय तक होता रहेगा। इट स्ट्रेसेस द केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, एग्रोफॉरेस्ट्री, सेल्फ रिलायंस एंड स्मॉल स्केल ऑपरेशंस कैरीड आउट एज नियर एज पॉसिबल टू द फूड कंज्यूमर। तो जो भी कंज्यूमर की डिमांड होगी उसको लंबे समय तक ये सप्लाई करने में सक्षम होगा। एक और अप्रोच है लीसा अप्रोच, लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग अप्रोच। तो लीसा अप्रोच स्टेट करता है कि जब मॉडर्न इनपुट हमारा जो भी एक्सटर्नल इनपुट है वो प्रॉफिटेबल ना हो, उसको यूज करने के बाद भी हमको अगर हमको बेटर प्रॉफिट ना मिल रहा हो तो हमको डिपेंड करना चाहिए अपने लोकल जो भी रिसोर्सेज है उस पर डिपेंड करना चाहिए, ह्यूमन एनिमल लेबर पर डिपेंड करना चाहिए, इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उस पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब था कि यहाँ पे लो एक्सटर्नल इनपुट और जो भी हमारा प्रैक्टिसेज है उसको हमको ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि इसमें अगर हम एक्सटर्नल इनपुट कम यूज करेंगे तो हमारा खर्चा कम होगा और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम होने के कारण से हमारा कॉस्ट जो है, बेनिफिट जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
it is essentially to stop depletion and degradation of soil resource base. तो जो भी soil के जो भी हमारे जो भी resources हैं या soil nutrients, vegetative covers, तो इन सभी को protect करने के बारे में ये discuss करता है और इसको use करके हम self reliance, local economy, strong local institutions, local agriculture इन सब को हम promote कर सकते हैं. मतलब agriculture को हम अपने internal inputs का use करके जो है self reliant और जो है उसको मोर बूस्ट इकोनॉमी हम बना सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स में हम देखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो इसमें चूंकि हमें सीड हम इंडिजीनियस सीड यूज करते हैं, फार्मर के फर्टिलाइजर के नाम पर हम इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो यूज करते हैं, जो भी हमारा फार्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिकम्पोज करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसको फील्ड में हम यूज करते हैं. तो जो भी हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है, कंपोस्ट है, उसको हम फर्टिलाइजर की तरह लेते हैं. तो हमारा यहाँ पे क्या है कि कोई हम बाहर से कोई हम फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, सीड भी हम अब लोकल यूज कर रहे हैं इंडिजीनियस सीड, तो हमको ज्यादा बाहर से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा खरीद के. तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस फार्मिंग में बहुत ही कम होगा. नेक्स्ट है हाई इनकम फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड. जो भी ऑर्गेनिक फूड है उसको जब हम सेल करते हैं तो उसका प्राइस हमको 40-80% हमें ज्यादा मिलता है इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल फार्मिंग का जो वो फूड होगा. क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फूड का जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है कम होता है, नहीं के बराबर होता है, तो इसीलिए इसको जो है इसका प्राइस जो है ज्यादा होता है, तो इसको इनकम भी इससे ज्यादा होता है. रिडक्शन इन द यूज ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स. तो बाहर से कोई एक्सटर्नल इनपुट हमें यूज नहीं करना होता है, तो इससे हमारे फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों बेनिफिट होते हैं. ग्रेटर प्रोडक्टिव यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. तो बायोलॉजिकल और जेनेटिक जो भी हमारा प्लांट और एनिमल है उसका हम ग्रेटर जो भी पोटेंशियल है उसको हम अचीव कर सकते हैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन लेवल. इस प्रोडक्शन सिस्टम में हम लॉन्ग टर्म तक जो है सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल प्रोसेस है, जो भी न्यूट्रिएंट की साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है, वो एक लॉन्ग समय तक चलती रहेगी, तो वो जो है सस्टेनेबिलिटी ज्यादा समय तक रहेगी. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन बी अडॉप्टेड इन स्मॉल फार्मर्स एंड बेनिफिट मार्जिनल फार्मर्स. तो ये स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, इनको ज्यादा इनकम प्रोड्यूस करने के लिए. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रिवाइवल ऑफ कल्चर एंड ब्रिंग्स बैक द इंडिजीनियस नॉलेज, बिलीफ्स एंड वैल्यू सिस्टम. तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये हमारा एक कल्चर का हिस्सा है, तो इस कल्चर में जो भी हमारा इंडिजीनियस नॉलेज है, बिलीफ्स है, उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्पफुल है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये करने से इसको हम इनको हम प्रमोट करते हैं और इसको हम प्रोटेक्ट भी करते हैं. तो नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 3, प्रेजेंट स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से फर्दर जो है इम्प्रूव हुआ था. तो फर्स्ट टाइप का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज किया गया था तो उसको बोला गया था बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर. इसको रुडोल्फ स्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जर्मनी में प्रैक्टिस किया था और उसके बारे में लिखा भी था स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ फॉर रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर. ये बुक है 1924 में पब्लिश हुआ था, इसमें इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है. इट लेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ यूनिक फार्मिंग कंसेप्ट कॉल्ड बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर. तो इस टाइप के एग्रीकल्चर को इन्होंने बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर बोला था और ये फर्स्ट टाइम ऐसा एग्रीकल्चर था जिसमें कि हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर से हटकर किसी और जो भी हमारा केमिकल सिस्टम है, या तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में या पेस्टिसाइड यूज करने में, तो उससे हटकर कुछ हम फार्म का प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया गया था इस सिस्टम को. तो इस सिस्टम से जो भी प्रोड्यूस हुआ था, जो भी फार्म प्रोड्यूस हुआ था उसको सर्टिफाई किया गया था डीमीटर सर्टिफिकेशन के फॉर्म में.
तो अभी जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देखते होंगे तो डिफरेंट एजेंसीज सर्टिफाई करती है, फिर वो मार्केट में जाती है, तो उसी तरीके से इसको जो है डीमीटर सर्टिफाई किया गया था। फर्स्ट टाइम इस तरह का सर्टिफिकेशन हुआ था, ये बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में हुआ था। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे सर अल्बर्ट हवार्ट, जिनके बारे में हम पीछे भी देखे हैं कि इन्होंने इंदौर मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो है इसको इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस किया था बंगाल में, और ही रिगार्डेड सच प्रैक्टिसेज आर सुपीरियर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज एंड रिकॉर्डेड देम इन ए बुक एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। इस बुक में इन्होंने इसको डिस्कस किया था कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है ये मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज से बेहतर है। इसके अलावा लॉर्ड नॉर्थ बोर्ने, जो कि फादर ऑफ जो कि जिन्होंने टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग क्वाइन किया था, तो उन्होंने भी अपने बुक में लुक टू द अर्थ में इसके बारे में डिस्कस किया है। लेडी ईव वेफ्लोर, ये इन्होंने भी एक बुक लिखा है द लिविंग सॉइल, इसमें इन्होंने होगली एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन किया है जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया है, और ये स्टफक फार्म जो यूके में था वहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद जे रेडॉल जो कि यूएस में ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक गार्डनिंग को पॉपुलराइज किया था 1940s में, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड गार्डनिंग एक नाम का बुक था, उसको पब्लिश किया था। राचल कार्सन एक पॉपुलर राइटर है और ये काफ़ी पॉपुलर साइंटिस्ट भी हैं, जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नाम का एक बुक लिखा है 96, इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से DDT जो है हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट पर प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में इन्होंने इसमें डिटेल में लिखा है। 1970s में डेविड होल्मग्रीन और एंड बिल मॉलिसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिजाइन किया था अप्रोच परमाकल्चर, जिसके बारे में हम डिस्कस पीछे किए हैं, इसमें हम जो भी पेरिनियल क्रॉप्स हैं जो कि फ्रूट क्रॉप हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, और परमाकल्चर इन्होंने डिस्कस किया था वहाँ। नेक्स्ट जो है 1972 में IFOM जो भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है, ये इसका फाउंडेशन हुआ था वर्सलीस फ्रांस में, और ये IFOM जो है आज जो है हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्तंभ है, क्योंकि इसी ने बेसिक प्रिंसिपल्स और जो प्रैक्टिसेज है उसका जो है फाउंडेशन और कोडिफिकेशन किया है, जो कि हर देश इसी को अडॉप्ट करता है। स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन वर्ल्ड, तो आज वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 191 कंट्रीज में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्रैक्टिस्ड है, और 2022 में हम बात करें तो 76.4 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में के अंदर में है, आउट ऑफ विच 26.6% जो है परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ है एक साल के अंदर में। लीडिंग कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा लैंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में 53 मिलियन हेक्टेयर्स, और उसके बाद इंडिया में है 4.7 मिलियन हेक्टेयर्स। ओवर हाफ ऑफ द ऑर्गेनिक एरिया इज इन ओसेनिया में सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक जो हमारा और एरिया है, फॉलोड बाय यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। 2021 में ग्लोबल सेल ऑर्गेनिक फूड और ड्रिंक का जो है ये 125 बिलियन यूरोस तक चला गया था। 60 अभी करंटली वर्ल्ड में 61 ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं जिसको कि हम फॉलो करते हैं, और सभी के सभी ये जो है IFOM के ही प्रिंसिपल से पे ही बेस्ड हैं, और ये सभी उसी प्रिंसिपल्स पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा टोटल 395 कोडिफिकेशन सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो कि सर्टिफाई करते हैं कि प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक है, और उसको मार्केट में ऑर्गेनिक फूड के नाम से सेल होता है। फिर नेक्स्ट हमारे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो 4.7 मिलियन हेक्टेयर में हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और ऑर्गेनिक फूड जो है इंडस्ट्री इंडिया में एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 131.41 बिलियन टू 625.69 बिलियन बाय 2028।
तो ये एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, 131 बिलियन से हम 625 बिलियन तक का यहाँ पोटेंशियल है और इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इसी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कि एक PKVY परम प्रकाश, ये सॉरी एक है परंपरागत कृषि विकास योजना एंड द नेशनल प्रोग्राम ऑफ द फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये दो प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रमोट द ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। तो इसके जो भी इंडिया में जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड अंडर NPOP प्रोग्राम के द्वारा हम लोग उसको जो है प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया के अपने IFM के ही प्रिंसिपल्स के आधार पे इन्होंने इंडिया में जो है स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, और उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो भी ऑर्गेनिक फार्म से जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन होता है उसको जो मार्केट में सेल करते हैं तो उससे पहले सर्टिफिकेशन के करते हैं और फिर वो मार्केट में ऑर्गेनिक फूड के नाम से सेल होता है। तो ये सभी जो है NPOP प्रोग्राम के थ्रू ही होता है, और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये गाजियाबाद में है। करंटली 395 ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड हैं जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व है, और मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है वो यूरोप में है, उसके बाद एशिया में है, फिर नॉर्थ अमेरिका में है, और द कंट्रीज विथ मोस्ट सर्टिफिकेशन बॉडीज आर द US, जापान, चाइना एंड जर्मनी। तो US, जापान, चाइना और जर्मनी में जो मोस्ट सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं वो हैं। इसके अलावा सम सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ऑपरेट आउटसाइड देयर होम कंट्रीज। कुछ सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्टिफाई करते हैं फूड प्रोड्यूस को, तो वो इंटरनेशनल लेवल के भी हैं। 40% ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडीज आर अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, 32% हैव ISO 65 एक्रेडिशन एंड 28% एक्रेडिटेड अंडर द US नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। तो सभी की सभी सर्टिफिकेशन एजेंसी जो हैं ये हर कंट्रीज के द्वारा मान्य नहीं है। तो जिस फार्मर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जिस कंट्री में वो सेल करना चाहता हो अपना प्रोडक्ट वो उस कंट्री के हिसाब से वहाँ का जो ऑर्गेनिक प्रोग्राम का जो भी प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेज हो उसी के हिसाब से वो फॉलो करें, सो दैट कि उसका जो प्रोड्यूस हो पर्टिकुलर कंट्री के लिए वो प्रोडक्ट के रूप में सेल किया जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स की क्या 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 हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में करना है क्या हमें नहीं करना है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस रिकॉग्निशन बिटवीन द डिफरेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन सिस्टम कॉन्ट्राडिक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहांसिंग ट्रेड मार्केटिंग एंड फॉस्टरिंग कॉन्फिडेंस। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि हर कंट्री एक दूसरे कंट्री को का जो प्रिंसिपल प्रैक्टिसेज ऑर्गेनिक फार्मिंग का है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करने के कारण क्या है कि तो यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत ही नैरो हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है यहाँ पे प्रमोशन थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। तो इसी के उद्देश्य से IFMO के द्वारा जो है प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेज ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है कोडिफाई किया गया, जो कि फर्दर हर कंट्री जो है उसको एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो इंडिया में हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि हम बहुत ही प्राचीन काल से ही ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है एडॉप्ट करते हैं, वैदिक पीरियड में भी हम लोग करते थे, और कुछ बुक्स भी हैं जिसमें उसका डिस्कस है, जैसे वृक्ष आयुर्वेदा है, कृषि शास्त्र है, मृगा है, ये सभी बुक्स में हमको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है कुछ पोर्शन जो है हमें मिलता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP जो है लॉन्च किया गया था 2000 में, और अंडर दिस प्रोग्राम नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैव बीन इवॉल्व। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स जो है वो उसका इवॉल्व हुआ था। इसी नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं।
तो उसी को हम फॉलो करके इंडिया में ऑर्गेनिक फूड जो है प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज ऑल्सो डेवलप्ड क्राइटेरिया फॉर एक्रेडेशन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसीज, एक्रेडेशन एंड प्रोसीजर, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स। इसी एनपीओपी के तहत हम लोग जो है डिफरेंट क्राइटेरिया जो है डेवलप किए, जिसके थ्रू हम लोग सर्टिफिकेशन एजेंसीज का एक्रेडेशन होता है, जो फील्ड है उसका इंस्पेक्शन होता है, सर्टिफिकेशन होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसका सर्टिफिकेशन होता है। ये सभी के सभी एनपीओपी के थ्रू ही होते हैं। इन डेवलपिंग दीज स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर, ड्यू अटेंशन इज पेड टू द गाइडलाइंस इनमरेटेड बाय द आईएफएम। तो आईएफएम के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको ही फॉलो किया गया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस एंड कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स जो भी हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ए नेशनल लोगो फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डेवलप्ड। तो ये जो नेशनल नेशनल लोगो जो है ये साइड में देख रहा है, तो ये नेशनल लोगो भी इसी एनपीओपी प्रोग्राम के द्वारा ही डेवलप हुआ था कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा उस पे इस तरह का सिंबल होगा और ये शो करेगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसका सर्टिफिकेशन किया गया है। इंडिया में अपेडा, जो कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये नोडल एजेंसी है इंडिया में टू प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड इट्स एक्सपोर्ट। तो इंडिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जो प्रमोशन और जो एक्सपोर्ट का जिम्मा है ये अपेडा के द्वारा होता है। फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए? तो फर्स्ट है कि प्रीमियम प्राइस। तो यहाँ पे मैं पीछे भी बताया हूं कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होता है वो मार्केट में हायर प्राइस पे बिकता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल जो भी फूड प्रोडक्ट हो। तो ये 10 to 100% तक ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं। तो ये इसके बदले में जो जो सेल करता है उसको प्रीमियम प्राइस मिलता है। तो ये एक अट्रैक्टिंग पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसके अलावा इंडिया में एक वाइड एग्रो इकोसिस्टम है और उसी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में, वाइड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स जो है वो लगाए जा सकते हैं मार्केट में, डिमांड मार्केट की डिमांड के हिसाब से। तो हमारे पास एक वाइड अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स को ग्रो करके उसको हम जो है जहां भी मार्केट की डिमांड हो वहां सप्लाई करें। तो इसके अलावा हेल्थ कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल ज्यादा प्रमोट हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंपेरेटिवली चीप लेबर फॉर लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो जहाँ लेबर चीपर है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करके हम जो भी प्रैक्टिसेज हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में हेल्प होता है और हम जो है ज्यादा प्रीमियम प्राइस भी हम अपना प्रोडक्ट को सेल करके गेन कर सकते हैं। ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू दिस प्रीमियम प्राइस और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनजीओज, और एनजीओज भी हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में हेल्पफुल है डिफरेंट जो भी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में है। इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ट्रेड कंसल्टेशन, एलाइड सर्विसेज। तो आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी डिफरेंट जो भी हैं तो वो एक्टिव है, वो एक्सटेंशन, ट्रेड कंसल्टेशन और एलाइड सर्विसेज जब भी जो भी है उसको प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो बेनिफिट्स ज्यादा, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स ज्यादा होने के कारण से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आजकल ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी दो स्कीम्स लॉन्च कर चुकी है जो कि पीछे हमने देखा है, एनपीओपी और दो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च किया गया है और इसको प्रमोट किया गया है। तो ये सभी फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज
a learning process that requires adequate time to achieve their full potential. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में जब अगर हम किसी फील्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करना चाहते हैं तो तुरंत हमको तुरंत कोई यहाँ पे चमत्कार नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का फुल बेनिफिट लेने में आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि शुरू के 2-3 साल जो है प्रोडक्शन शार्पली बहुत ही डिक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम किसी भी इनऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे हम फर्टिलाइजर यूज करते थे उसकी जगह हम डिपेंडेंट होंगे किसी ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मैन्योर के साथ, तो वहाँ पे हमारा जो है यील्ड शार्पली डिक्रीज करेगा 2-3 साल तक। लेकिन 2-3 साल के बाद जब हमारा यील्ड है, अगर हम फील्ड में इनफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल पॉपुलेशन और जो भी हमारा न्यूट्रिएंट के जो साइकिल है वो हमारे अगर चलते रहे, तो फिर हम 3 साल के बाद एक ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरह ही हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोड्यूस करेगा यील्ड। तो ये थोड़ा समय लेता है, तुरंत यहाँ पे आपको फुल पोटेंशियल नहीं मिलने वाला है। इंस्टीट्यूशंस एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑर्गेनिक। तो दूसरी समस्या ये है कि हमारे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं, जो भी सब्सिडीज, ट्रेनिंग, रिसर्च सेंटर, ये सभी प्रमोट करते हैं हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग को, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये सभी बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर सर्टिफाइंग प्रोडक्ट्स कैन बी ए डिस्टिंक्ट बैरियर फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो ये जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट होता है ये एक बैरियर होता है छोटे फार्मर्स के लिए, क्योंकि एक उनको एक फी देना पड़ता है और उस फी के बाद ही उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, तो ये एक बैरियर है। स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट मार्केट एंड डाइवर्स नॉट हार्मोनाइज, क्योंकि हर मार्केट के लिए, हर देश के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम बात करें हर देश के हिसाब से अगर हमको सर्टिफिकेशन लेना हो तो ये कॉस्टली प्रोसेस होगा, तो ये एक बैरियर है। नेक्स्ट है लोकल मार्केट डिमांड इज मॉडेस्ट विथ लो कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर में लो अवेयरनेस होने के कारण से इसकी मार्केट डिमांड भी कम है अभी, तो ये सभी कॉन्स्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हम देखेंगे तो कमोडिटी के फॉर्म में टी, कॉफ़ी, राइस, व्हीट है। स्पाइस में डिफरेंट स्पाइसेज है जैसे कार्डमम, ब्लैक पीपर, वाइट पीपर एक्सेट्रा, ये सभी जो है हमारे मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आइल सीड्स, ये सभी क्रॉप्स जो हैं इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिकली और मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपोर्टेड। अब हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनिक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक मार्केट है जापानीज ऑर्गेनिक मार्केट। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट है ऑर्गेनिक मार्केट एशिया में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू जापान have to be labeled with Japanese organic state logo. तो वहाँ का अपना स्टैंडर्ड है Japanese organic state logo के द्वारा जो भी लेबलिंग होगी वही मार्केट में वहाँ ऑर्गेनिक फूड के रूप में बिकता है। एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मस्ट मीट Japanese national standards. तो जो भी इम्पोर्ट वो करेगा अपने मार्केट में सेल करने के लिए तो वो उसको इसी स्टैंडर्ड्स पे चेक करेगा और ये जापानीज ऑर्गेनिक स्टेट लोगो के पैरेलल वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ के मार्केट में सेल होगा, अगर बशर्ते कि ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है वहाँ के नेशनल स्टैंडर्ड से मैच करे। अगर वहाँ के नेशनल स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं करेगा तो जापान के मार्केट में ऑर्गेनिक फूड के रूप में सेल नहीं किया जा सकेगा। जापान इज कंसिडर टू बी ए मेजर इम्पोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मेनली सप्लाइड बाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड कनाडा। तो जापान में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और कनाडा के द्वारा जो है ज्यादा इंपोर्ट होता है। द मोस्ट कॉमनली इंपोर्टेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर सोयाबीन, ऑर्गेनिक फ्रोजन वेजिटेबल्स, टी एंड बनाना। यूएस ऑर्गेनिक मार्केट की बात करें तो वहां पे फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है सबसे ज्यादा सेल किया जाता है ऑर्गेनिकली। उसके बाद नॉन डेयरी बेवरेजेस, ब्रेड्स एंड ग्रेन्स, पैकेज फूड जो है ये दूसरे नंबर पे है, और फिर डेयरी प्रोडक्ट, ये सभी जो है ऑर्गेनिक मार्केट में सबसे ज्यादा सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं।
टू बी सर्टेन। तो यूएसए में भी अगर कोई प्रोडक्ट हम सेल होना है तो वो वहाँ के नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम के हिसाब से स्टैंडर्ड से होने चाहिए, जो यूएसए के हैं, यूएसडीए के द्वारा जो डेवलप्ड प्रोग्राम है उसके हिसाब से, उसके ही स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए। तो वो मार्केट में वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के रूप में सेल किए जाएंगे, अदरवाइज वो वहाँ सेल नहीं किए जा सकेंगे। सिमिलरली यूरोपियन मार्केट के लिए है, यूरोपियन ऑर्गेनिक मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट, जो भी हमारा बिगेस्ट मार्केट जो है जर्मनी है, और वहाँ एनुअल टर्नओवर जो है 3.9 बिलियन यूरोस के आसपास है, फॉलोड बाय इटली एंड फ्रांस। हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मार्केट इज इन स्विट्जरलैंड विथ 4.5%। सबसे ज्यादा जो है मार्केट शेयर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का है वो स्विट्जरलैंड का है, और हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन जो है स्विट्जरलैंड में ही है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी वही होता है। इन द यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन। तो यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेशन है उसके द्वारा वहां पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्न किया जाता है। इन स्विट्जरलैंड बायोसुसी सर्टिफिकेशन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। स्विट्जरलैंड के पास अपना एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है बायोसुसी। तो यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा अपने अपने भी प्रोग्राम है, जिसमें से स्विट्जरलैंड के पास बायोसुसी है। तो वो अपने स्टैंडर्ड पे फिर उसको वो अपने जो प्रोडक्ट अपने यहाँ सेल होगा उसको वो चेक करेगा, और जो वो उसको सुटेबल पाएगा वही उसके मार्केट में वहां सेल होगा। तब ये स्लाइड दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो प्रीमियम प्राइस हमारा गेन करेगा। तो टी की बात करें तो ऑर्गेनिक टी जो है 47% तक प्रीमियम प्राइस हमको फार्मर्स को दे सकता है, राइस 44%, प्रोटीन ग्रेन 44%। तो हम देखेंगे इसमें जो मोस्टली जो है हमारा 25 to 45 50% के आसपास जो है हमको प्रीमियम प्राइस जो है हमको मिलेगा ड्यू टू दिस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के सेलिंग पे। अब है नेक्स्ट, केमिकल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में हो क्या रहा है? तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही लैंड को बार बार डिफरेंट क्रॉप्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, और बेसिकली हमारा कल्टीवेशन हो रहा है राइस और वीट के लिए। और ये राइस वीट जो जो है हमारा ये इंडोगैंगेटिक प्लेन्स में ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। और इसमें इसमें क्या करते हैं, ये दोनों सीरियल्स हैं, और ये दोनों जो है सॉयल से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है एग्जॉस्ट करते हैं। तो इसके कारण से सॉयल को जो है सॉयल से न्यूट्रिएंट की जो है वो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो रहा है, और सॉयल फर्टिलिटी दिन ब दिन जो है डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको हम लोग सस्टेन करने के लिए सॉयल में फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, और उस फर्टिलाइजर को अप्लाई करने से हमें जो है डिफरेंट जो पॉल्यूशन है, या तो सॉइल का पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन या एटमोस्फेयर पॉल्यूशन, तीनों हम देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा नाइट्रेट रन ऑफ जो है एक मेजर प्रॉब्लम है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट जो है हमारा वो लीच डाउन होता है, और सॉइल में सॉइल के थ्रू लीच डाउन होके ग्राउंड वाटर टेबल में ऐड हो जाता है, और वो प्रोड्यूस करता है वहां पे नाइट्रेट का टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली हमारा सॉइल इरोजन, सॉइल कॉम्पैक्शन, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर के थ्रू ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा हम आजकल हम लोग देखते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग में हमारा जो मेनली हम लोग देखते हैं राइस की पराली का जो हम लोग जला रहे हैं, तो उस वो एक समस्या है इस मॉडर्न एग्रीकल्चर का। उसको यूज उस वो जो वेस्ट है स्टबल है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कंपोस्ट बना के फील्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। बट हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी बर्निंग कर रहे हैं और उसका लॉस हो रहा है, और उसके अलावा वो इकोसिस्टम पे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा जो भी हम एनिमल के वेस्ट हैं, काउ डंग ये सब वेस्ट हो रहा है, इस सबको यूज नहीं करते हैं, इन सब का यूज करेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और वहां हम उसको यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्योर्स। ठीक है, तो ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो कि इसके रेसिड्यू हमारे फूड में पाए जाते हैं। तो ये इसी को दूर करने के लिए हम लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं।
उसका, चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज करते नहीं है, तो हमको किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू मिलने का खतरा नहीं रहता है। और ये सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड को सर्टिफाई करते हैं, वो रेगुलरली इन पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू को उस फूड प्रोडक्ट में चेक करते हैं कि पार्टिकुलर पेस्टिसाइड का कोई पार्ट तो नहीं उसमें है। अगर होगा तो फिर उसका सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक फूड के रूप में नहीं किया जाएगा। पेस्टिसाइड के लॉन्ग इफेक्ट से कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये स्लाइड उसको शो करता है। उसमें हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजेनिक है, सभी जो है किसी न किसी फॉर्म के कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई एलर्जी प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई स्किन डिजीज प्रोड्यूस करता है। अब एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको कि हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स भी बोलते हैं। इस एक एक्सक्यूज मी 1 मिनट। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो होते हैं, इसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज एकदम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। और इसको अगर हम अपन इसका इसको अगर हमें फील्ड में ग्रो करना पड़े, तो फिर हमको इसका सीड हर साल मार्केट से खरीदना पड़ेगा और इसको हमको ग्रो करना पड़ेगा। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, इसका जो जेनेटिक बेस है वो काफी नैरो होगा, तो फिर ये भी एक पार्टिकुलर पेस्ट और जो भी डिजीज है के लिए ससेप्टेबल होगा। तो इसको इससे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम्स होगी, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रो नहीं करना है। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी सीड्स हैं उसको हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सक्लूड करना है, यूज नहीं करना है। कैरेक्टराइज अब है कि ऑर्गेनिक फार्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि बायोडायवर्सिटी, तो इसमें टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक है, बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल प्लांट न्यूट्रिशन, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी। ये 6 टोटल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जिसमें बायोडायवर्सिटी जो है वो डिस्कस करता है कि जो इकोसिस्टम है उसकी बायोडायवर्सिटी जो है मेंटेन होनी चाहिए। बायोडायवर्सिटी से मतलब कि उसमें डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो एक डाइवर्स मिक्स ऑफ क्रॉप्स हमको लेना चाहिए। मतलब कि हम जैसे कि राइस व्हीट ही ना ले, इसमें डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स लेते रहें। जैसे कि कोई सीरियल ले रहा है, उसके बाद लेग्यूम्स ले, फिर सीरियल्स कोई क्रॉप ले सकते हैं। सीरियल में भी हम राइस ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं, उसके अलावा मेज ले सकते हैं, सोरगम ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को हम ग्रो करें, तो इससे क्या होगा, तो एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक जो है हम सॉइल को जो है सस्टेन कर सकते हैं, वहाँ न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल रहेगा और डाइवर्सिटी जो है हमारी मेंटेन रहेगी। तो इससे बार बार डिफरेंट क्रॉप्स लेने से ये होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती रहती है, डिजीज जो एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सॉइल में होता है वो फिर नेक्स्ट सीजन में अगर वो क्रॉप अवेलेबल ना हो, तो इस तरीके से वहां पे जो है उस डिजीज और पेस्ट की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इस तरीके से वहां पे जो डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि हमको क्रॉप को बदलते रहना चाहिए, सो दैट कि वहां पे एक पर्टिकुलर फील्ड में एक साइकिल ना रिपीट हो। अगर वो साइकिल रिपीट होगी तो फिर वहां पे हमारा डिजीज का जो है और पेस्ट का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने का एक तरीका है कि हमको क्रॉप्स जो है रेगुलरली बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर में हम डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक फार्म के जो भी इंटरप्राइज हैं, ये इंटरप्राइज हमारे एग्रीकल्चर हो सकता है या फिर हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर हो सकता है, जो है जहाँ की हम लोग एनिमल को रेयरिंग करते हैं, या फिर हमारा पोल्ट्री फार्म हो सकता है, या फिर हम फिशरी को ले सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिक फार्म के डिफरेंट इंटरप्राइज हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो।
मतलब एक का वेस्ट दूसरे के लिए इनपुट का काम करे, इस तरीके का अगर हम यूज करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे अगर हम इंटरप्राइजेस को, तो हमको ऑर्गेनिक फार्म और उस ऑर्गेनिक फार्म से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने में हेल्प होगा, और वहां पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी अपने अंदर के इंटरप्राइज से अगर हम कोई इनपुट लेते हैं, तो फिर हमको उसके लिए बाहर कुछ पे करना नहीं होता, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है, और हमारा जो एक कंटामिनेशन का चांस होता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में या फिर इरिगेशन वाटर के फॉर्म में, तो ये सभी जो है बाहर से अगर हम लेंगे तो एक कंटामिनेशन का चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा इंटरनल इंटरप्राइज है, तो यहाँ पे हमको इस तरीके का कोई भी कंटामिनेशन होने का बहुत ही चांस कम रहेगा। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट लेग्यूम्स का यूज करते हैं क्रॉप रोटेशन के लिए, तो उसका भी यूज करना चाहिए। डिफरेंट मैन्योर्स फ्रॉम डिफरेंट इंटरप्राइजेस जो है उसको भी यूज करते हैं हम लोग। सस्टेनेबिलिटी जो है हमारा ऑर्गेनिक फार्म का एक मेन जो है हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्म है लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहे, और लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल कब रहेगा, जब हम सभी ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स जो भी हैं उसको अच्छे से जैसा है उसको वैसे ही अडॉप्ट करें, तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं और उसको एनवायरनमेंट को भी उस साथ में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन की बात अगर करें हम तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फार्मर्स होते हैं वो किसी भी तरह के टॉक्सिक केमिकल या प्रैक्टिस चूंकि अलाव नहीं होता है, तो वो उसको यूज नहीं करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे तो कोई ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे, जैसे कि मैन्योर यूज करेंगे या फिर कि नेचुरल रॉक मिनरल्स यूज करेंगे। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा कि वहां पे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है प्लांट को सप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा जो प्रोड्यूस होगा उसमें भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होंगे। लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या है कि हम लोग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो उसका रेसिड्यू हमारे प्रोडक्ट में भी रहता है। तो ये नेचुरल जो है प्लांट न्यूट्रिशन हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा प्योर रहने में हेल्प करता है। नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट, तो हमने पीछे भी बताया कि हम यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, या तो हम कोई नेचुरल प्रेडेटर यूज करेंगे या फिर कोई पारासिटॉइड यूज करेंगे या फिर हम रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे ये पंचगव्य यूज करेंगे, मतलब कुछ ऐसा यूज करें जो कि ऑर्गेनिक हो या फिर हमारा नेचुरल मेथड हो जिसमें किसी भी तरह का हमको कोई भी केमिकल सब्सटेंस हम ऐड नहीं करते हैं। तो ये नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट में भी हमको ध्यान में रखना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इंटीग्रिटी जो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का लास्ट हमारा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड बोल कर, तो वो ऑर्गेनिक फूड सच में होना चाहिए। अगर हम उसको नॉन ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनिक बोलकर, उसके लिए वो प्रीमियम प्राइस पे कर रहा है, तो ये उसके साथ एक तरह से उसके राइट्स का उल्लंघन होगा। तो इसी के लिए जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है स्ट्रिक्ट जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करती हैं, सो दैट कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, कि जो कंज्यूमर है वहां तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है जिसके लिए वो पे करता है तो वो उसको मिल सके। अब की डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक सिस्टम में हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू केमिकल फार्मिंग, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी पॉपुलराइज धीरे धीरे हो रही है, केमिकल फार्मिंग हमारा लंबे समय से चलता आ रहा है, तो वो ज्यादा एरिया पे अभी प्रैक्टिस चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे हमको बाहर से कुछ नहीं खरीदना होता है, सब हमारे फार्म के अंदर ही बनाए जाते हैं। लेकिन केमिकल फार्मिंग की बात करें तो वहां पे हमको जो है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इसके अलावा जो भी टीलेज के जो भी ऑपरेशंस के जो भी मैकेनरी है उस सभी हमें बाहर से यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ज्यादा कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। मार्केट की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट छोटा है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, लेकिन केमिकल फार्मिंग का मार्केट बड़ा है, होलसेल मार्केट है, लार्ज एरिया को कवर करता है।
तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक सिस्टम की बात करें तो केमिकल का लार्ज मार्केट है, ऑर्गेनिक का स्मॉलर मार्केट है, केमिकल का इजी मार्केट एक्सेस है, ऑर्गेनिक का लेस एसेसेबल मार्केट है, क्योंकि इसके बारे की प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस जो है सबको पता नहीं है, तो सर्टिफाइंग आजकल पॉपुलराइज हो चुकी है, तो सर्टिफिकेशन के बाद जो है वो मार्केट में सुपर मार्केट में ये एसेसेबल है, बट कम एसेसेबल है इन कंपेरिजन टू जो हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग है उसके सिस्टम के। इसका ग्रोथ रेट केमिकल फार्मिंग का जो ग्रोथ रेट है मॉडेस्ट है, ऑर्गेनिक का रोबस्ट ग्रोथ रेट है, केमिकल में इंटेंस कंपटीशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मॉडरेट कंपटीशन है, और केमिकल फार्मिंग की केमिकल सिस्टम की बात करें तो ये क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा लोअर होगा, बट उसके इसीलिए उसका प्राइस भी लो होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है क्वालिटी और प्रोसेस के हिसाब से उसका प्राइस ज़्यादा होता है। केमिकल सिस्टम में गवर्नमेंट सपोर्ट सब्सिडी एक्सटेंशन ये सभी अवेलेबल है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट है। केमिकल फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव है लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉलेज इंटेंसिव है। केमिकल जो हमारा सिस्टम है वो शॉर्ट लर्निंग कर्व है, मतलब यहाँ पे हम तुरंत फर्टिलाइजर डालकर तुरंत अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने में 2 से 3 साल लगेंगे। केमिकल में मे फेस मोर ट्रेड बैरियर्स, चूंकि केमिकल का इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हम सर्टिफिकेशन को फॉलो करें तो फिर ऑर्गेनिक फार्म ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर सकते हैं। केमिकल फार्म सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्राइस प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी पुअर होगी तो इसका दाम जो है कम होगा, और प्रीमियम प्राइस होने के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस में ज्यादा हायर प्राइस पे करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल प्रेफर ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसका बेटर टेस्ट होता है, हेल्दियर होता है, मतलब उसमें कोई भी पेस्टिसाइड के रेसिड्यू नहीं होते हैं, कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर या एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं होते जो कि हार्मफुल हो, तो ये हेल्दियर है, एनिमल फ्रेंडली है, ठीक है, जीएमओ फ्री है, मतलब कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे फेयर प्ले होता है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है ऑर्गेनिक के नाम पे तो वो ऑर्गेनिक ही है, इसके लिए सर्टिफिकेशन किया जाता है, मोर सस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टर्म तक इकोसिस्टम को सस्टेन करने में हेल्प करता है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक नॉलेज सिस्टम है ये ट्रेडिशंस को मीट करता है साइंस के साथ, मतलब जो ट्रेडिशंस हम जो प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हैं उसको हम अपने मॉडर्न साइंस के साथ मैच करके उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह यूज करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं और कंफ्यूजन भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है या नहीं होता है। हाँ सर, बस सर हो गया, 2 मिनट। कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो यील्ड है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू केमिकल फार्मिंग, तो हाँ थोड़े 2-3 साल के लिए कम होता है, फिर नॉर्मली वो ग्रो कर जाता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इकोनॉमिकल नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल इकोनॉमिकल है अगर हम उसका रिसोर्स का सही से यूटिलाइज करें, तो इक्वली इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू केमिकल फार्मिंग। नेक्स्ट है कि यू कांट सप्लाई इनफ न्यूट्रिएंट बाय यूजिंग कंपोस्ट। सही बात है, हम कंपोस्ट का यूज कर उसको जो है सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं माइक्रोब्स का यूज करते हैं, और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं सॉइल के अंदर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिसाइकल करके सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये